योगेश है हमारे साथ अब। योगेश सैनी दिल्ली से। योगेश जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम, पहले तो थैंक यू मेरा क्वेश्चन लेने के लिए। मेरे पास SBI कार्ड है 35 शेयर्स एट द रेट 11.35, और दूसरा है HDFC लाइफ 20 शेयर्स एट द रेट ऑफ 7.30। मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का है। और ऑल्दो आप जी, मैं इसमें कब तक अपना रेट अपनी बाइंग प्राइस एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? ओके हालांकि तो बड़ा डिफिकल्ट है बताना जिस तरीके का मार्केट का मूड है, फिर भी मानस से राय ले लेते हैं। ये आपने इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से लिए हैं हालांकि शेयर्स, यस मैम, इन्वेस्टमेंट ठीक है मानस है तो इन्वेस्टमेंट, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि नुकसान में है तो थोड़ी चिंता तो होती है ही। SBI कार्ड भी उन्होंने बहुत ऊपर खरीदा, मेरे ख्याल से हायर लेवल्स के आसपास ही लिया है 1135। सिमिलरली HDFC लाइफ भी इन्होंने इसके रिकॉर्ड हाई इसके आसपास ही बाय किया, 713 का बाइंग प्राइस है। दोनों में नुकसान क्या करें अभी? देखिए, SBI में बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है तो बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू देना मुश्किल होगा SBI कार्ड के लिए। अब ध्यान रखिए, देखिए एक सपोर्ट है 715 रुपए के आसपास। अगर वो लेवल ब्रेक होंगे तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी और शायद 625 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। मेरी राय में तो स्टॉप लॉस रखना अब जरूरी है। इन्होंने पहले स्टॉप लॉस नहीं रखा है, लेकिन अब जरूर स्टॉप लॉस रखें 715 रुपए का। उसके नीचे जाए तो पोजिशन निकल जाए, और अब खरीदारी यहाँ पर तब तक नहीं करनी है जब तक ये 810 के नीचे ट्रेड होता रहे। दूसरा स्टॉक इनका था HDFC लाइफ का। देखिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहा जा सकता है, हालांकि बहुत बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर मीडियम टर्म का आउटलुक है तो यहाँ पर 525 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और जब भी ये 625 के ऊपर निकलेगा तो शायद 700-725 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। ओके चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है दोनों स्टॉक्स, ये सजेशन है आपके लिए।